संपूर्ण खबर को कोरोना स्थिति समीक्षा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 राज्यर मुख्यमंत्री आलोचना करिछंति प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम रे ओडिशा आंध्रप्रदेश कर्णाटक महाराष्ट्र केरल और तमिलनाडु मुख्यमंत्री कथा होती एक 6 राज्यर कोरोना संक्रमण कमी भी स्थिति नियंत्रण को आसी ना एथिलागि सबु राज्यर कोरोना स्थिति समीक्षा करिछंति प्रधानमंत्री एक वर्चुअल बैठक में 6 राज्यर मुख्यमंत्री केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। राज्य में पंचायत निर्वाचन आरंभ हो प्रक्रिया समस्त जिलार जिलापा भोट बक्सर तालिका मागिंट निर्वाचन कमिशन 26 जुलाई सुधा रिपोर्ट देवाई निर्देश देते कमिशन एने निर्वाचन कमिशन का कार्यालय पक्ष सूचना दी जा निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो सारी राज्य में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होता बेले 26 जुलाई सुधा रिपोर्ट देवाई कहुत जिलार जिलापा भोट बक्सर तालिका मागिंट निर्वाचन कमिशन 26 जुलाई सुधा रिपोर्ट देवाई निर्देश दी जाने निर्वाचन कमिशन का कार्यालय पक्ष सूचना दी जा राज्य में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो समस्त जिलार जिलापा भोट बक्सर तालिका मागिंट निर्वाचन कमिशन 26 जुलाई सुधा रिपोर्ट देवाई निर्देश देते कमिशन एने निर्वाचन कमिशन का कार्यालय पक्ष सूचना दी जा कोरोना स्थितर समीक्षा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान आसत नजर पकाइबा मोदी अभिभाषण विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। साथियों, आज जितने राज्य 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं, पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले फरवरी में भी देखने को मिले थे, इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है,
नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रेटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीक एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। अभी जब मैं नॉर्थ ईस्ट के साथियों से बात कर रहा था तो एक बात उभर करके आई कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन ही नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर बहुत बल दिया और उसके कारण वो स्थिति को संभाल पाए। टेस्टिंग में भी ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है, वहां वैक्सीन भी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल है। वैक्सीन के प्रभावी इस्तेमाल से कोरोना की वजह से उत्पन्न परेशानियों को कम किया जा सकता है। कई राज्य इस समय हमें जो विंडो मिली है उसका इस्तेमाल अपनी आरटीपीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी कर रहे हैं। यह भी एक सराहनीय और जरूरी कदम है। ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्टिंग वायरस को रोकने में काफी प्रभावी हो सकते हैं। साथियों, देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स राज्यों में हैं, उन्हें तेजी से भरा जाए, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, रूरल एरियाज, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी राज्यों में आईटी सिस्टम्स, कंट्रोल रूम्स और कॉल सेंटर्स का नेटवर्क मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। इससे रिसोर्सेज के डेटा, उसकी जानकारी पारदर्शी तरीके से नागरिकों को मिल पाती है। इलाज के लिए मरीजों और परिजनों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। साथियों, मुझे बताया गया है कि आपके राज्यों में जो 332 पीएसए प्लांट्स एलोकेट किए गए हैं, उनमें से 53 कमीशन हो चुके हैं। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि इन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द पूरा करें। किसी एक सीनियर अफसर को स्पेशली यही काम में लगाइए
और 15-20 दिन का मिशन मोड में इस काम को आप पूरा करवाइए। साथियों, एक और चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम पश्चिम में देखें, चाहे यूरोप के देश हों चाहे अमेरिका, इधर हम पूरब में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और कल्पना बाहर का अनेक प्रकार से कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई है। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। इसका जिक्र मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था, मैं आज फिर से जोर देकर के इस बात को दोहराना चाहता हूं। आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें तो कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बहुत सघन आबादी वाले हैं, हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और एनजीओस को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। मुझे विश्वास है कि आप सबके व्यापक अनुभव इस दिशा में काफी काम आएंगे। आप सबने इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया, मैं हर पल अवेलेबल हूं, हमारा संपर्क बना रहता है, आगे भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा ताकि हम सब मिलकर के इस संकट से मानव जात को बचाने के इस अभियान में अपने अपने राज्यों को भी हम बचा सकें। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। छटी राज्यर मुख्यमंत्री कथा होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशेषकर कोरोना स्थितर समीक्षा करा सहित गुरुत्वपूर्ण कथा हो टेस्टिंग ट्रैकिंग एवं ट्रीटमेंट तासत टीका को गुरुत्वपूर्ण देखते प्राधान्य देवाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगक जारी रही खबर अभियान कि समय हो छोट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक परे स्वागत। राज्य में पंचायत निर्वाचन पर आरंभ हो प्रक्रिया, समस्त जिलार जिलापालों को वोट बक्सर तालिका मागिछन्ते निर्वाचन कमिशन। 24 जुलाई सुधा रिपोर्ट देवाई निर्देश देते कमिशन। एने निर्वाचन कमिशन कार्यालय पक्ष सूचना दी अधिक आलोचना जोड़े रही भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती। दिव्य, राज्य में पंचायत निर्वाचन पर प्रक्रिया आरंभ हो सारी सविशेष तथ्य कौन आस देखो माधुरी, निश्चित भाव पंचायत निर्वाचन को नहीं जो गोटे प्रकार आशा आशंका थिला जे केबे पंचायत निर्वाचन हेबो एवं 6 मास मध्ये पंचायत निर्वाचन होई पारती नहीं ताहा मध्ये गोटे बड़ दिग उपरे बर्तमान समस्त नजर रही कहीं ना मार्च 10 तारीख रे पंचायत निर्वाचन ये जो 5 वर्षिया कार्यकाल रही शेष हो समय भितर कि पुणी निर्वाचन करानी जो मैंने रही पंचायत प्रतिनिधि मैंने से निर्वाचित हे से दिगरे वर्तमान कार्य करने पंचायत अधिकारी मान दायित्व दि जापर से दिगरे निर्वाचन कमिशन राज्य निर्वाचन कमिशन पंचायत राज विभाग को पाखापाखि 4 चिठी लिखि सारी किंतु विलंबर हे पछे
पंचायत राज विभाग तार उत्तर देती 3 दिन तले अर्थात आप देखिए 3-4 दिन तले पंचायत राज विभाग जो उत्तर देती राज्य निर्वाचन कमिशन को से कहुच्छी आम बर्तमान प्रस्तुत डिलिमिटेशन आउ रिजर्वेशन प्रक्रिया पाई तेज जदि डिलिमिटेशन आउ रिजर्वेशन प्रक्रिया बर्तमान तो आरंभ करा जाए पाखापाखि 4 मास लगे डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन प्रक्रिया पाई अनेपटे 3 मास प्रक्रिया लगे भोट पत्र जांच प्रक्रिया पाई 3 मास लगे पाखापाखि 7 मास समय लगे से समस्त नजर रही 6 मास ये जो पंचायत निर्वाचन हो पार्चे कि ना यार भितर सब बड़ कथा आम कही पार राज्य निर्वाचन कमिशन आड़ गोटे बड़ पदक्षेप नहीं समस्त जिलापाल मानक भोट बाक्स तालिका मागिंट प्रत्येक जगार केोट बाक्स रही भोट करते लोक गोटे स्थान रखा जा पार से सब संबंध में सविस्तृत रिपोर्ट मागिंट 26 तारीख सुधा यहाँ देवाई कहुई गोटे कथा आप देखिए पूरा प्रस्तुत बोली वर्तमान यहाँ गोटे सूचना देखते राज्य निर्वाचन कमिशन आम आम आड़ प्रस्तुत अच्छु राज्य सरकार जब डिलिमिटेशन आउ रिजर्वेशन प्रक्रिया को शेष करेंगे निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हे निहाती भाव में राज्य सरकार कोर्ट में बर्तमान बल रही सुधा राज्य सरकार डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन प्रक्रिया शेष करते तुरंत यह शेष करेंगे से ही अनुपात से ही अनुजाई आम कहीपर निर्वाचन व पंचायत निर्वाचन खूब शीघ्र जाऊे आशा कर किंतु राज्य सरकार जिते शीघ्र यहाँ सारे से अनुजाई निर्वाचन कमिशन कार्य आरंभ करेंगे कारण राज्य निर्वाचन कमिशन पाखे पंचायत राज विभाग जिते सुधा रिपोर्ट देव जे डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन प्रक्रिया संपूर्ण रिपोर्ट जे पहुंचे तापर ही से कार्य आरंभ करें समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि जोड़ी रही आम सहित आसे परवर्ती खबर को बिजुली पई हल्ला पोल कोरोना काल में अघोषित विद्युत दर वृद्धि को विरोध करिछे बीजेपी आज 5 दिन धरी आंदोलन करिबो दल समस्त विद्युत वितरण कंपनी आगे आंदोलन करिबो बीजेपी कोरोना समय अघोषित दर वृद्धि लोकों समस्या को आहुरी बढ़ाई देछि बोली दल अभियोग करिछे राज्य रे कोविड समय रे जेते बेले लोकंकर आर्थिक अवस्था स्वच्छल नाही सेते बेले विद्युत दर को कोनोसी प्रकार कथा न थाई कि विद्युत दर वृद्धि करिबा बात्या समय रे कथा को काम न करी कि अजथारे अघोषित विद्युत काट करिबा आ लो वोल्टेज प्रतिवाद रे आज हमर ये प्रतीकात्मक धारणा वर्तमान समय जो भाई लोकों पाकर पैसा नहीं लोक 5 पैसा दबार क्षमता नहीं से ही समय तुम विद्युत शुल्क बढ़े चलच से समय इलेक्ट्रिक जो समय कोरोना रे लोक घरे रोचंती कौन सरकार कौन पदा को बाहर घर रुहतु कि घर रही कौन गरम सतंतु एटी लोक बिजुली पा ना साधारण लोक बिजुली पा ना कितु तर कंपानी मानक विद्युत दे चल जो कंपानी मैंने कोटी कोटी टाइम बिजुली बिक्री करूँ साधारण लोक बिजुली दि जाऊ कोटी कोटी टंका जिते बड़े बाकी रही कंपानी मानक से छाड़ कर ये गरीब लोकों पर मिछ बिल करुंती प्रतिवाद करी भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्येक धारणा देछे भारतीय जनता पार्टी 5 दफा दाबी नहीं आज ये आंदोलन उल्लैछि लोक माने संग्राम करुचंती कोरोना परिस्थिति की एतिकी बेले राज्य सरकार लोकों पर बेड़ी उपरे कोरोना सदृश साजिछि आज भारतीय जनता पार्टी लोक मान स्वार्थ पाई तल को ओह्लैछि राज रास्ता को ओह्लैछि एक चेतावनी देउछि राज्य सरकार को आपण घरोई कंपानी प्रीति छाड़ंतु घरोई कंपानी सहित जो मधुचंद्रिका करिचंती ताको छाड़ंतु लोकंक समस्या बुझंतु राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु संख्या आज पुणे 64 मुंड नहीं महामारी खोर्धार सर्वाधिक 22 जनक जीवन नहीं बेले बरगढ़ 10 बालेश्वर 8 सुंदरगढ़ 7 जनकर मृत्यु हो सेपरी गंजाम 6 कंधमाल और संबलपुर 2 लेखाएं मृत सेपटे गत 24 घंटा मध्य राज्य में 2070 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती 1195 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 875 जन रही खोर्धार सर्वाधिक 440 जन आक्रांत थिबा राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षर् सूचना दीजिए We'll be right back.
ज्वाई को पथर रे छेची हत्या घटनाटी घटी ब्रह्मपुर उपखंड रंडा गाँव हरिचन साहि झिकीपतर गाँव शशुर घर रंडा को आसी दिलीप दास तेरे शशुर घरे हत्या कर सूचना मिली घटन जन को अटक रखा वीडियों को निर्देश रे जीआरएस को माड़ मारे मद्यप युवक आक्रमणकारी युवक को गिरफ्त करने दावी में पंचायत कार्यालय आगे प्रतिवाद कर स्थानीय लोके भद्रक जिला चांदपाली ब्लॉक घंटेश्वर गोपीनाथपुर पंचायतर जीआरएस पुरुषोत्तम बारिकों को माड़ मारी किसी दुर्वृत्त वीडियो निर्देश में पुरुषोत्तम को आक्रमण कर एमती कहीकि अतर्कित भाव में आक्रमण कला जहाद्वारा कि सेत पुलिस केस भी होता अद्यावधि से केस कोर्ट विचाराधीन अच्छी तीन मस जेल धरिकी बेल आसाला बर्तमान से कोर्ट विचाराधीन अच्छी पुणी से कोर्ट केस परिसमाप्ति पूर्व पुणी एटा हूँ द्वितीय घटना ये प्रकार बोधे ये तार विभिन्न कथार तार उद्देश्य हूँ केवल विभिन्न लोक धमक खाली शुद्ध मिच्छर मुझे करमी ढमी करमी से ये मागिमी सी मागिनी खाली अर्थ आदाय कर मतलब अगर किसी द्वितीय मतलब ना पंचायत अफिश कार्यालय पशि जो टाइप सरकार अफिसर को अमानुषता कार्यक्रम कर मारधर कर टेबुल चेयर भंगारुजा कर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराऊ पंचायत तरफ दाबी पंचायतवास दाबी एवं टुलुकर भविष्य केमी पंचायत अफिस् भितर पशि एमती टाइप कार्यक्रम न करूँ यहाँ गोटे चेतावनी दि जाऊ गजपति जिला आर उदयगिरी ब्लक छतुआ बंटन में अभियोग शिशु और महिला आसुवा छतुआ पैकेट उभय वितरणकारी संस्था और विभाग अधिकारी चंचकता कर खाई अभियोग छतुआ पैकेट में मैन्युफैक्चर तारीख लिखा जा ना बेले ओजन मात्राधिक कम रोकता अभियोग कर हिताधिकारी केवल से नुहे उक्त छतुआ अति निम्न मानर जो कौन से हिताधिकारी खाऊन कहते जिलार रामगिरी अनघा तबर सिंह सियाली लटी पुराणा पाणी छतुआ वितरण को नहीं हिताधिकारी और सरपंच असंतोष प्रकाश कर बारंबार प्रशासन को जन आसुच्च आर उदयगिरी सीडीपीओ जाणीशु तदंताल दुर्नीति को घंट घोड़ा अभियोग आज्ञा ए गोटे थर भूल हो नी हाँ हाँ कम हाँ स्वीकार करना कौन माँ मणे ये मिशिन खराब हो जाता ओजन मिशिन टा खराब अच्छी माँ मणे आलोचन पुरे दे मुझे क्षमा मागुचे छतुआ कमी जाऊँगी सारे आम्प्लेन करके दौ मो बोली ना सियाड़ तो आसुची सिंधी मुझे दे दूची आम बोल कि छतुआ आम ग्रुप महिला माँ चार के जी दुईश लेखाई दी के जी दुईश आसे शिशु प्रति जदि अन्याय हो सरकार घोषणा कर राज्य सरकार अपपुष्टि कथा अपपुष्टि कथ अपपुष्टि जन्म रू गर्भवती माँ खाइबे क्वांटिटी कमुची ओजन कमुची आई मध्यस्थी एवं ठिकादार कहतु महिला मंडल माँ मान आई लाभदायक होती तापर आम जो मझी रही सरकारी कर्मचारी मत कि पा थे जाधरा पड़ी जेहेतु गोटे हाँ एवं सरकारी ओजन अनुसार जदि दुई किलो एवं चार शौ पचास ग्राम इंती रही कथा एवं रोच किले तीन सौ ग्राम रोच जोटा आज कल राज्य सरकार मिशन शक्ति को नहीं गले आज कल मिशन शक्ति बड़ चर्चा ओडिशा रे से व्यापक दुर्नीति गोटे अभियोग शुणा को मिलला एवं कड़े से सीडीपीओ संपृक्त कि जगार अंगनवाड़ी वर्कर माने संपृक्त एवं गुड़ाए जगार अंगनवाड़ी केन्द्र कम करूना गुड़ाए जगार अंगनवाड़ी केन्द्र ना गुड़ाए जगार अंगनवाड़ी केन्द्र अच्छी जराजीर्ण अवस्था अच्छी शिशु माने एवं सबुठू बड़ा अलार्मिंग इनफॉरमेशन होची गजपति जिला होची आयरन डेफिशिएंसी रे ओडिशा रे सबुठारु अधिक एक नंबर तेणु जोठी राज्य सरकार बेसी प्रोत्साहन दबा कथा सेठी राज्य सरकार सबुठू अधिक दुर्नीति करुछन
ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।